वहीं हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी नेत्री द्वारा कांग्रेस को अनुसूचित जाति और जनजाति विरोध बताने व पलटवार किया है और कहा है कि ये हास्यास्पद बात है कि बीजेपी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही दलित समाज, आदिवासी समाज और ओबीसी वर्ग की हितैषी रही है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता इस तरह की झूठी बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेत्री ने शिमला में पत्रकार वार्ता करके कांग्रेस पार्टी के विषय में जो देश का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समाज है, वर्ग है, उसको लेके कुछ बातें कही हैं। राहुल गांधी के विषय में भी उन्होंने कुछ टिप्पणियाँ की हैं। उस विषय में आप लोगों के माध्यम से बात करना चाहता हूँ। दलित समाज देश का, आदिवासी और जो पिछड़ा वर्ग है, अगर इनकी हम बात करें और इनको लेके कोई ये कहे भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री कि कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी है, कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज जो है उसकी विरोधी है, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा चुटकुला जो है वो दूसरा कोई हो नहीं सकता। मैं स्वयं दलित समाज से संबंध रखता हूँ और पिछला अगर हम इतिहास देखें तो ये तथ्य अपने आप उजागर होता है कि आज अगर देश के अंदर, समाज के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, अगर आज बराबरी का जीवन जो है वो जी रहे हैं समाज के अन्य वर्गों के बराबर, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का इतिहास में रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी का रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का रहा है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का रहा है, कांग्रेस पार्टी की नीति और कार्यक्रमों का रहा है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा योगदान इस दिशा में जो है इस देश के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन उनका रहा है।